तलवार वार कजा आ जाएगी। जग जग आज रूखे खुदा आ जाएगी। मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले जाओ ज़ैर, वरना जन्नत पांव चल के करबला आ जाएगी। हजरात बहुत ही खूबसूरत अच्छे अशआर तमाम हजरात मोहतरम इज्जत बाबा सैफ रज़ा कानपुरी से इस्तेमाल कर रहे थे, और जैसा कि उन्होंने वादा किया है इंशाल्लाह फिर वो आएंगे, भले आप ना रहे वो अपना कलाम जरूर पढ़ेंगे। अब ज़हन और फिक्र की पूरी तमन्नाओं के साथ आइए कामयाब और लाजवाब किताब सुनने के लिए तैयार हो। ये सही है कि जमात अहले सुन्नत में जादू बयान की टीमों और शोरा रवा वाइजों की कोई कोई नहीं है, लेकिन आज इस हकीकत से पूरा मोतरिफ हो चुका है कि फन्ने खिताबत में मसलके आला हुकूमत के हवाले से गुफ्तगु करने की बुनियाद जो मकबूलियत खतीबे अहले सुन्नत नाशिरे मसलके आला हुकूमत हाफिज़े अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मंजूरुल क़ादरी साहब क़िबला को हासिल है, वो किसी और को हासिल नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पशावर से लेकर गुजरात के घाटियों तक जिस खतीब के खिताब का डंका बज रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सी के उर्स कमेटी के नौजवानों के इंतखाब पर मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि ऐसे खतीब को ला करके हमारे और आपके दरमियान पेश किया है, जिसकी गुफ्तगू सुनने के बाद यकीनन आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग जा रहे हैं ये अच्छी मेजबानी नहीं है, मेहमान अगर आपके दरवाजे पर हो आप चले जाएं ये अच्छी बात नहीं है। मेजबानी उसे कहते हैं, मेहमान आए उसका इस्तकबाल कीजिए। हमारी जमात का ये अजीम मुनफरदुल मिसाल खतीब हमारा और आपका मेहमान है, लिहाजा हमारी और आपकी मजहबी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी गुफ्तगू को सिबात करें। 10-15 मिनट आप उनकी गुफ्तगू से लग जाइए, आपकी तबीयत नहीं कहेगी कि उनकी गुफ्तगू से आप अपने आप को अलग कर लें। अब आइए जमात की उस अजीम खतीब का इस्तकबाल फलक शगाफ नारों से कर लें। नारे तकबीर और बंदावास। ए बेटा, जिन लोगों को जाना है चले जाओ, हाँ जाइए, और जो लोग बैठना चाहते हैं अब वही लोग बचे हैं। नबी की नात पढ़ना ये हजरत हसान की सुन्नत है, तकरीर करना ये महबूब रहमान की सुन्नत है। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, अगर सहमत ना हो तो 2-4 कदम आप और आगे आ जाएं। और जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला शबे मेराज के इस रात के वसीले से इन लोगों के बैठने को कबूल फरमाकर सबों को अपने महबूब के रोजे की ज़ियारत अता करा दे। आप आमीन कर लें। और थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। देखिए जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है, देखिए नहीं है, बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं बहुत दूर से नहीं आया हूँ, करोला इलाके का हूँ, हमारे यहाँ जलसे जो होते हैं 2-2.5 बजे खत्म हो जाते हैं। इस तरह टारगेट बना करके इस प्रोग्राम को रखना चाहिए, और उसके बाद भी ये कि अभी मुशायरा होगा, अगर आप बचेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे कलाम लेकर के हमारे सारे भाई आए हैं, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे और अहले कमेटी के ख्वाहिशात का एहतराम भी वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब सुनेंगे आप लोग की नहीं सुनेंगे, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ जल्दी बैठो, अब नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम जिंदा है, और अलाउद्दीन का कलियर निजामुद्दीन की दिल्ली मेरे ख्वाजा का पूरा हिंदुस्तान जिंदा है। आप जिंदों की महफिल में बैठे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के शहर में रहते हैं, जरा आप बुलंद आवाज से नारा लगाइए। करबला शरीफ के हवाले से बहुत अच्छा शेर पढ़ रहे थे, 2 शेर मैं पढ़ दूं ताकि ईमानी हरारत में और चला आ जाए। जालिम के दिल पर सब्र का भाला लगा दिया, इससे अच्छा शेर हो सकता है आप ना सुनाए। जालिम के दिल पर सब्र का भाला लगा दिया, खुतबों का 4 संत उजाला लगा दिया। जालिम के दिल पर सब्र का भाला लगा दिया, खुतबों का 4 संत उजाला लगा दिया। अब कोई भी यजीद ना बैठेगा तख्त पर क्यों, अरे ज़ैनब ने कसरे शाम पर ताला लगा दिया। अब कोई भी यजीद ना बैठेगा तख्त पर, अब कोई भी यजीद ना बैठेगा तख्त पर। ज़ैनब मौलाना अब्दुल करीम साहब, अरे स्टेज वालों को इनाम बहुत कम देते हैं, अगर आपके पास पैसे ना हो तो खाली हाथ मुसाफा करके जाइएगा। मैं आपके गांव का हूँ, एक एतबार से आपके करीब का हूँ। हाँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो वक्त आप दे रहे हैं वो
बहुत देर तक आपके दरमियान दीवार की हैसियत से खड़ा रहूं। अब सब दे जाइए, यहाँ हो सकता है आप इस वक्त तक ना रह जाए जब साहब नहीं आया। नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। अरे और बुलंद आवाज से यार, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, दोनों हाथ उठा करके नारा लगाओ। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े मसलके आला हज़रत का मुकर्रर, जश्ने मेराजुन नबी, उर्से मुकद्दस, फैज़ाने औलियाए किराम, हज़रत अल्लामा मंज़ूरुल क़ादरी साहब चिमला। नापाक इरादों को तबाही देगा, नापाक इरादों को तबाही देगा, बातिल के चिरागों को बुझा ही देगा। और तुम अजमत सरकार ना पूछो हमसे क्यों, अल्लाह का कुरान गवाही देगा। लगा बेटा, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجات فاطما في تطهيرات حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند الأطاق هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا معروزا مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم قبل खुतबा शोरा को आपने समाप्त किया और आप दादो तहसीन से नवाज रहे थे। ये जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है, मैं किसी के मजीद इसरार पर आप तक हाजिर हुआ और आज की तारीख में मुझे कोयत रहना था, लेकिन बहुत ज़्यादा जब इसरार किया, गालिबन ये तारीख ज़िलहिज्जा शरीफ के फौरन बाद मुहर्रम से पहले हुई है, यानी 2016 में। आज की तारीख में कुवैत की सरजमीन पर
हुजूर नजीब हैदर मियां क़िबला की सरपरस्ती में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। किसी वजह से इस प्रोग्राम को मनसूख करके 7 मई को वो तारीख मुकर्रर की गई, इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। आने के बाद बड़ा अच्छा मजमा दिख रहा था और अब पोजीशन ये है कि ओरिजिनल बचे हैं, बाकी जो गड़बड़ थोड़ा थे वो निकल गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओरिजिनल सुन्नी नहीं। रात काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, जब रात मुकम्मल जवान थी तो इलाके के नातखां मुकर्ररीन ने अपना रंग जमाया। जब रात और बूढ़ी हो गई तो फिर कमर साहब आए, उन्होंने अपना पूरा रंग जमाया। जब रात और बूढ़ी हो गई तो सैफ रजा साहब आए, पूरा हक अदा कर दिया। अब रात इतनी बूढ़ी हो गई है, कि चेहरे पर झुर्रियां आ गई। तब इस नौजवान खतीब को पेश किया गया। अब आप दुआ करें कि इस बुढ़िया रात के साथ मेरा गुजारा हो जाए। ये आपके ऊपर है। रह गया मजमे की बात तो ये कम ज़्यादा हम नहीं देखते हैं, क्योंकि कुरान ने बयान किया है कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। मुख्तसर लोग ज़्यादा लोगों पर गालिब हो गए। तारीखें मौजूद हैं, कुरान की आयत भी है। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। इस जलसे का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हज़रत, वो जश्ने मेराजुन नबी, वो उर्से मुकद्दस। लोगों ने बहुत फरमाइशें की थी लेकिन वक्त में इतना गुंजाइश नहीं है कि बहुत सारी बातें आपके सामने पेश की जाए। मैंने सोचा था फरमाइश के मुताबिक कि जैसे बैनर का उन्वान है उसी तरह से गुफ्तगू की जाएगी। मसलक से चलेंगे, मेराजुन नबी में आएंगे और मेराज से मज़ार पे आएंगे, वहाँ से हम अपनी सुन्नियत को जांचेंगे, परखेंगे और फिर हक्कानियत की दलील देंगे। सुनना चाहते हो ना, दोनों हाथों को उठाइए बुलंद आवाज से। माइक इतना अच्छा है कि मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। इतना अच्छा है कि तारीफ की जाए तो कम है। जब हम जैसे लोगों को बुलाया करो, एहतमाम का मुकम्मल ख्याल किया करो। और ये तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस है। लिअन्नल आक़िलत तख़्फ़िहुल इशारा, अक़लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है, लिहाज रखना चाहिए। बहुत अच्छा माइक है आपका, जब तक मुंह में रखो ना जब तक आवाज़ नहीं आती। अभी आपने मेराजुल नबी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें समाप्त की, लेकिन हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें ना समझ में आए। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से बोलो, माइक थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ और ज़ोर से बोलो। अभी जब नकीब ऐलान कर रहा था बहुत अच्छा माइक था, उसके बाद पता नहीं क्या कर दिया उसने। आपके कहने से तो मैं नहीं मानूंगा। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से।
کلام الامام امام الکلام سیدی سندی آقائی و مولائی سیدی سرکار اعلی حضرت عرض کرتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کی فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ حضور سید عالم جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہیں، قیامت تک ویسے رہے، وہی اختیار ہے، وہی پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے رسول کا انتخاب کیا ہے جو بے مثال رسول ہے۔ جب تک مائک میں منہ نہ لگاؤ جب تک آواز نہیں آتی ہے، اور منہ لگانے سے سوکھنے لگتا منہ، لیکن کسی طرح سے کام چلانا ہے، یا مائک ہی ہٹا دیا جائے بغیر مائک کے بولا جائے۔ میری دعا ہے کہ آپ مدفن تک سنتے رہے، لیکن یاد رکھو ہر میدان میں، ہر جلسے میں، ہر اسٹیج پر، ہر درسگاہ میں اعلی حضرت کی ضرورت ہے۔ ایک ہی کافی تھا بابو، لیکن اب جب گڑبڑ ہے تو غور کریں آپ۔ ہاں، جب ہم معراج النبی بیان کرتے ہیں تو جو غیر ہیں قرآن پڑھنے والے، وہ حضور سید عالم کہ میرے معراج پاک کا انکار کرتے ہیں، اور حضور کی معراج کا انکار کرنا کفر ہے، جیسا کہ مفتی معین الدین صاحب نے آپ نے سماعت کیا۔ میرے آقا کو ایک بار معراج نہیں ہوئی ہے، قرآن کی تفسیر ہے 34 بار معراج ہوئی، تفسیر روح البیان ہے، ایک بار جسمانی، 33 بار روحانی۔ جو بدعقیدہ ہیں، غدار ہیں نبی کے، وہ کہتے ہیں معراج کو تو ہم مانتے ہیں مگر قرآن اس میں کہہ رہا ہے بعبدہ بعبدہ۔ اور ہم لوگ بھی بندے ہیں نا، تو گویا نفس بندگی میں تو ہم برابر ہو گئے۔ ایک جماعت برابری کر رہی ہے، دوسری جماعت انکار کر رہی ہے، اور حدیث پیش کر رہے ہیں لوگ کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے، بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں لوگ کہ حضور سید عالم اس شب میں میرے بستر مبارک پر تھے، یہ بھی لوگ پیش کرتے ہیں، مگر حضور سید عالم کو معراج ہوئی ہے مکے سے، اور حضرت عائشہ کا نکاح ہے مدینے میں۔ لوگ مغالطے میں ہیں، جان بوجھ کر بھی کچھ لوگ گھوٹالہ کرتے ہیں۔ جواب دیا مفسرین نے کہ وہ روحانی معراج ہے، یہ جسمانی ہے۔ اب عقل حیران ہے اس بات پر، لوگ پریشان ہیں اس بات پر کہ حضور کے جسم بھی، آنکھیں بھی، دست پاک بھی، قدم مبارک بھی، جسم و جسمانیت کے ساتھ گئے مصطفیٰ، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، فہم و فراست سے بالا۔
लेकिन ये है कुरान। कुरान के एक लफ्ज पर अगर बयान किया जाए, रातें खत्म हो जाएंगी, बातें नहीं खत्म। रब ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। और दूसरा तर्जमा है, पाकी है उस जात के लिए जो अपने बंदे को ले गया। और एक तरफ है ले गई, मुअन्नस मुज़क्कर देखे, ले गई और ले गया। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात, पाकी है उस जात के लिए जो अपने बंदे को ले गया। समझो जरा, बच्चा खेल रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि खुदा की कुदरत की बच्चा खेल रहा है, बच्चे तो खेलते ही रहे। मालूम हो रहा है कि ये सफर नामुमकिन था और रब्बुल आलमीन ने इस मेराज की निस्बत अपने तरफ किया और ऐलान कर रहा है, ए मेरे बंदो, ये तुम्हारी अक्ल तस्लीम करे ना करे, लेकिन ये खुदा की कुदरत है जिसने मुस्तफा को मुस्तफा बनाया है। वो खुदा अपने हबीब को जिस्मो जिस्मानियत के साथ ले गया है। लोग हैरान है, दलील दीजिए आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर गए, हुजूर का जिस्म नहीं गया माज़ल्लाह, लेकिन कुरान क्या कह रहा है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने बंदे को ले गया। भी नबी यही नहीं है कि अपने नबी को ले गया, ये नहीं है। जब वो हबीब है, महबूब है, मुकर्रम है, मुहतरम है, मुअज़्ज़म है, अजमत वाला है, शौकत वाला है, तो रब ने अपने हबीब को बंदा क्यों कहा? रब फरमाता सुभान अल्लज़ी असरा बि नबीही, पाक है वो जात जो अपने नबी को ले गया। लेकिन नहीं, ये जुमला नहीं कुरान में, बिअब्दिही। अब इसको जरा समझो, इसी में जवाब है। जब लोगों ने जिस्मानी तौर पर जाने को इनकार किया कि ये अक्ल तस्लीम नहीं करती, दिमाग में बात बैठती नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, रूहानी तौर पर माना जा सकता है जिस्मानी तौर पर नहीं, और जब लोग इस पर कंफ्यूज हुए, मुगालते में हुए, लोग गुस्ताखियां करने लगे, तो इसका जवाब किसी और ने नहीं बल्कि इमाम अहमद रज़ा ने बरेली की सरजमीन पर कैद कर मुकम्मल तौर पर दिया। क्या जवाब दिया आला हजरत ने, समझो उस बात को। बिन नबी ही नहीं है, बिअब्दी ही है। मतलब अगर खुदा बिन नबी ही फरमाता तो ये बात समझ में आती कि शायद हुजूर जिस्मो जिस्मानियत के साथ न गए हो, अगर नबी का लफ्ज आता। क्यों? हुक्म नबूवत के लिए जिसमें नबूवत का होना जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए जिसमें नबूवत का होना जरूरी। समझो मेरी बात को। इसलिए मेरा नबी आदम से पहले है, हदीस गवाह है, अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी। समझो मेरी बात को, सबसे पहला नूर, सबसे पहली तखलीक मुस्तफा का नूर है। सबसे पहले अव्वलु, मेरे नबी को रब ने पैदा किया, मेरे नबी के नूर को पैदा किया,
اور سمجھو زمین سے پہلے پیدا کیا، آسمان سے پہلے پیدا کیا، ستاروں سے پہلے پیدا کیا، آدم سے پہلے پیدا کیا، آدمیت سے پہلے پیدا کیا، بشر سے پہلے پیدا کیا، بشریت سے پہلے پیدا کیا، جنت سے پہلے پیدا کیا، دوزخ سے پہلے پیدا کیا۔ تو جب میرا نبی آدم سے پہلے ہے تو آدم سے پہلے ہے تو وہ آدمی کیسے ہوگا؟ جب آدم سے پہلے ہے تو انسان کیسے ہوگا؟ جب آدم سے پہلے ہے تو بشر کیسے ہوگا؟ جواب ملا، میرا نبی بغیر لباس بشری کے، بغیر جسم کے نبی رہ چکا ہے، نبی رہ چکا ہے۔ اعلان نبوت کے لیے لباس بشری ضروری ہے، تو اعلی حضرت نے جواب دیا، تفسیر روح البیان جلد ہشتم میں موجود ہے، سنو، اسی جملے میں جواب ہے۔ عبد کہتے کس کو ہے؟ عبد اسے کہتے ہیں جس کے پاس روح بھی ہو، جسم بھی ہو، روح مال جسد جہاں دونوں ہو، اسے بندہ کہتے ہیں۔ تو قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، بیعبدہ، یعنی نبی جسم اور روح دونوں کے ساتھ میرا تشریف لے جائے، دونوں کے ساتھ نبی گئے۔ گواہ ہے قرآن اس بات پر، لیکن نہیں، سمجھو میری بات کو۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، عبدہ عبدہ عبدہ۔ ارے ہر نبی بندہ ہے، لیکن ہر بندہ نبی نہیں، ہر بندہ نبی نہیں اور ہر نبی بندہ ہے۔ اللہ نے بھی عبدی ہی کہہ کے یہ ثابت کر دیا، بتا دیا کہ میرا نبی جسم اور روح دونوں کے ساتھ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کر رکھی۔ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں، اب ہم غور کرنے لگے، مسجد یہاں بھی ہے، مسجد وہاں بھی ہے، مسجد پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، ترکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں مسجد ہے، لیکن یہ وہ مسجد ہے جس کی برکتوں کا ذکر، جس کی عظمتوں کا ذکر قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں اس مسجد کے ارد گرد برکتیں اس لیے ہیں کہ وہاں پر انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، اس لیے وہ جگہ برکت والی ہے۔ تو جواب ملا مجھے کہ وہاں اس لیے برکتیں ہیں۔